तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग डिवीज़न है जिसका सेल नंबर 17 है। इसका जॉब लोकेशन जो है आपका वेस्ट बंगाल होगा। यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है आपका डीटी यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो हैं फ्रेशर्स वाले जो हैं एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट है, पोस्ट जो है बहुत कम है लेकिन सैलरी जो है काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो आप जो है ज़रूर फिलअप कीजिए। इसमें 26 साल जो है एज लिमिट दिया गया है मैक्सिमम, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाए क्या सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, तो देखिए स्टार्टिंग में जो है आपको 2 साल जो है ट्रेनिंग में रखा जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको यहाँ पे 27,891 रुपये जो है सैलरी मिलेगी। देन यहाँ पे डियरेंस अलाउंस जो है 146.7% जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देन डिप्लोमा में जो आपका मार्क्स है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है 70% से ऊपर होना चाहिए। और बात किया जाए कि कैंडिडेट हुआ है पास ऑलरेडी 2017-18-19 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई द एबव पोस्ट। तो इसमें जो है 2017-18-19 के जो कैंडिडेट पास हैं वही कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं, बाकी पिछले वाले जैसे 2016 के कैंडिडेट जो पास आउट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। और बात किया जाए यहाँ पे तो दिखा हुआ है कि जो डिप्लोमा में 70% होना चाहिए, 70% जो है आपके माध्यमिक यानी कि 10th या फिर 12th में होना चाहिए। 65% जो है ओवरऑल आपके डिप्लोमा में होना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन बात किया जाए कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को, तो अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है इन सब पोस्ट जितनी भी यहाँ पे मैं पोस्ट बताऊँगा सबकी जो लास्ट डेट है आपका 28 अक्टूबर है। तो 28 अक्टूबर से पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना है www.andrewelue.com, फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप जो है वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है। इसी तरह अगर हम दूसरी वैकेंसीज़ की बात किया जाए दोस्तों, अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं यहाँ पे तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो और जॉब पोस्टिंग जो है आपके कहीं भी हो सकती है लेकिन इसके लिए जो पर्टिकुलर दिया गया है वो आपको मैंने बता दिया है कि ये जो है वेस्ट बंगाल में जो है इसका जॉब लोकेशन होगा इस पोस्ट के लिए। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है इसका उसका सीरियल नंबर जो है 12 है, जो इसका डिवीज़न है आपका टी डिपार्टमेंट, टी डिवीज़न है। इसका भी जो जॉब लोकेशन है आपका कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में रहेगा। यहाँ पे भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैंडिडेट जैसे कि बात की जाए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड डाटा एंट्री के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रांच जो है स्पेसिफिक नहीं किया गया है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, कोई भी डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम सैलरी रखा गया है, सेम चीज़ यहाँ पे रखी गई है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेम है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया गया है, इंटरव्यू के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। तो ये फ्रेशर्स वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। और बात की जाए और भी पोस्ट के लिए, तो और भी पोस्ट के लिए जानना चाहते हैं अगर आप इच्छुक हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रेशर्स बेसिकली दो ही पोस्ट आ रखी थी जहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन और भी पोस्ट है जिसमें बीटेक के कैंडिडेट भी एलिजिबल है लेकिन उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर जाएगा, आप जो है इजिली यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ये सारी रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करते ही आपको इसका नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट है जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट है लेकिन इसमें सीए के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले फिलअप कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं क्योंकि बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लगभग आपके यहाँ पे 17-20 जो है सीरियल नंबर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना, हर एक एडवर्टीजमेंट जो है अलग अलग दिया, एडवर्टीजमेंट नंबर सेम है लेकिन जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है नोटिफिकेशन है। तो कुछ नोटिफिकेशन ऐसे हैं कि जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है 15 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो वो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस था वो फ्रेशर्स वाले कैंडिडेट के लिए, तो वो हमने बता दिए दो फ्रेशर्स वाले कैंडिडेट हैं टेक्निकल वाले, बाकी नॉन टेक्निकल के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं और फॉर्म को यहाँ से डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एंड्रयू यूलो में आई हुई वैकेंसी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया है। अगर चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो इनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को जरूर देखें और फॉर्म को फिलअप कर लें। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।